दोस्तों 80 और 90 के दशक में अगर किसी दमदार विलन का नाम लिया जाता था तो वो थे बॉलीवुड के अमरेश पुरी। अमरेश पुरी बॉलीवुड के वो विलन थे जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली थी। उनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में हुआ था। अमरेश पुरी वो अभिनेता हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग के जादू से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इन्होंने सबसे ज्यादा किरदार विलन के रूप में निभाया, लेकिन इनके और किरदार भी लोगों ने बहुत पसंद किए, जैसे कि पुलिस का किरदार और एक पिता का किरदार। हालांकि बॉलीवुड में उनकी इमेज एक विलन के तौर पर थी। उन्होंने बहुत सी फिल्में नेगेटिव किरदार में निभाए हैं और बॉलीवुड में उनकी जैसा विलन का किरदार निभाने वाला कोई नहीं था। लेकिन शायद ही आपको पता हो कि अमरेश पुरी जब फिल्मों में आए थे तो वो हीरो बनने का ख्वाब लेकर आए थे, लेकिन हीरो बनने का सपना उनका अधूरा रहा और वो फिल्मों में बन गए विलन। आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले अमरेश पुरी ने लगभग 20 साल तक एक बीमा कंपनी में काम किया था। उन्होंने 2 दशक की नौकरी को अपने बॉलीवुड प्रेम के चलते छोड़ दी और वह हीरो बनने मुंबई पहुंच गए। लेकिन निर्माताओं का कहना था कि उनका चेहरा हीरो की तरह नहीं दिखता, जबकि उनके बड़े भाई मदन पुरी भी फिल्मों में थे। लेकिन उनके भी फिल्मों में होने से अमरेश पुरी को कोई फायदा नहीं मिला और अमरेश पुरी बन गए फिल्मों के विलन। अमरेश पुरी को पहला ब्रेक मिला साल 1970 में आई फिल्म रेशमा और शेरा। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई। फिल्म में उनका किरदार रहमत खान का था। उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अमरेश पुरी को नेगेटिव किरदार मिलने लगे। इसके पीछे शारीरिक संरचना भी जिम्मेदार थी। उनका कद लंबा चौड़ा था और आवाज काफी भारी, जो कि एक विलन के लिए एकदम फिट बैठती थी। उनकी एक्टिंग के आगे अच्छे खासे और बड़े कलाकार भी कमजोर दिखने लगते थे, चाहे कोयला के राजा साहब हो या मिस्टर इंडिया के मुगैम्बो या फिर सिमरन के बाबूजी। अमरेश पुरी ने कई यादगार रोल निभाए। इतने शानदार किरदार निभाने का जज्बा उन्हें फिल्मों में आने से पहले से ही था। अगर बात करें अमरेश पुरी के निधन की, तो इनका निधन 12 जनवरी 2005 को हुआ था।